Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 6 June 2020. Subject spoken English extra class for class 1. My dear students, ये कुछ exercises है आपको बस एक practice के लिए, आप language के practice के लिए आपको बेहतरीन बनाने के लिए या exercises है. Parts of speech. Circle verbs, underline nouns and double underline adjectives. यहाँ पे बोला गया है कि आपको यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, इसमें से आपको वर्ब को सर्कल करना है और नाउन को अंडरलाइन करना है और जो एडजेक्टिव है उसे आपको डबल अंडरलाइन करना है. तो चलिए वर्ड्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है. पिंक, पिलो, लाइज, बेड, रग, रफ, वाइट, वॉल, डिड, मेक, फाइंड, डॉल, प्रिटी, टॉय, फ्लोर, टेबल, डर्टी, वॉश, स्पून, कट. ठीक है, तो चलिए आप लोगों को तो पता ही है नाउन क्या है. अ नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन क्या है? नाउन पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग्स का नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन. और वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जो आप लोग एक्शन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब. ओके, और एन एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पे देखिए, यहां से जो वर्ब है उसे आपको सर्कल करना है और जो नाउन है उसे अंडरलाइन और जो एडजेक्टिव है उसे आपको डबल अंडरलाइन. इसे देखिए, पिंक, पिंक क्या है? एडजेक्टिव, तो आपको इसे डबल अंडरलाइन करना है. पिलो क्या है? नाउन है, तो इसे आपको अंडरलाइन करना है. लाइज क्या है? वर्ब है. बेड ये नाउन है, तो इसे आपको अंडरलाइन करना है. रग ये क्या है? आपका नाउन है, तो इसे आपको अंडरलाइन करना है. रफ क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसे आपको डबल अंडरलाइन करना है. वाइट ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसे आपको डबल अंडरलाइन करना है. वॉल क्या है? नाउन है, तो उसे आपको अंडरलाइन करना है. डिड ये आपका वर्ब है, तो आपको इसे सर्कल करना है. मेक क्या है? आपका मेक मतलब बनाना, तो ये क्या है? आपका वर्ब है, इसे आपको सर्कल करना है. फाइंड मतलब ढूंढना, तो ये आपका वर्ब है, इसे आपको सर्कल करना है. डॉल क्या है? डॉल एक नाउन है, तो उसे आपको अंडरलाइन करना है. प्रिटी एडजेक्टिव, इसे डबल अंडरलाइन. टॉय नाउन है, उसे आपको अंडरलाइन करना है. फ्लोर नाउन है, उसे आपको अंडरलाइन करना है. टेबल आपका नाउन है, उसे आपको अंडरलाइन करना है. डर्टी वो क्या? आपका एडजेक्टिव है, तो उसे आपको डबल अंडरलाइन करना है. वॉश ये आपका वर्ब है, उसे आपको सर्कल करना है. स्पून क्या है? नाउन है, उसे आपको अंडरलाइन करना है. कट ये आपका वर्ब है, उसे आपको सर्कल करना है. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो वर्ब है उसे सर्कल करना है और जो नाउन है उसे अंडरलाइन और जो एडजेक्टिव है उसे आपको डबल अंडरलाइन. तो हमेशा याद रखिएगा, नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन क्या है? जगह, इंसान या फिर कोई भी एनिमल या फिर सामान, ये सब का अगर नेम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन. और वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, जैसे प्ले, ईट, स्लीप, डांस, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब. और आपका एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है और उसके बारे में कुछ हमें बता रहा है, उसका कैरेक्टर के बारे में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है और डबल अंडरलाइन. तो आप इसको समझ के घर में सॉल्व कर लीजिएगा. सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.